दोस्तों आज हम इस वीडियो में डॉक्टर रिक्वेस की R85 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि किस स्थिति में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं और रोगों से हम इसका प्रयोग करके छुटकारा पा सकते हैं। तो पूर्ण रूप से इसे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों पहले हम यह जान लेते हैं कि यह कहां का मेडिसिन है और इसे कौन बनाता है। तो R85 होम्योपैथिक मेडिसिन फोर्जिन कंट्री का है जो कि जर्मनी में डॉक्टर रिक्वेस लैब में तैयार किया जाता है और यह बहुत सारे देशों में सप्लाई किया जाता है। वैसे हमारे देशों में भी इसे वहां से आयात किया जाता है और जो यह मेडिसिन है हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही कंट्रोल करता है। जब हमारा जो प्रेशर है बिल्कुल बढ़ जाता है तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करके बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब ये भी इसमें जान लेना हमें जरूरी है कि हम कैसे जाने कि हमारा बीपी कितना होना चाहिए। तो दोस्तों सायस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। तो जो उच्च रक्तचाप है यदि 120 होता है और निम्न रक्तचाप जो कि 80 होता है तो हम उस स्थिति में इसको सामान्य मानते हैं कि जो हमारा बीपी है बिल्कुल ही ठीक है। वही यदि 120 से उच्च रक्तचाप ज्यादा होता है या निम्न रक्तचाप 80 से कम होता है तो उस स्थिति में हमारा जो बीपी है या तो फिर बढ़ा हुआ है या तो फिर घटा हुआ है। तब उस स्थिति में हमें R85 होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और हम इसे लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि R85 होम्योपैथिक मेडिसिन में कितने दवाओं का मिश्रण है और इन दवाओं का हमारे शरीर पर क्या कार्य है, वह कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों पहला दवा है एलियम सटाइवा, दूसरा है साइट्रस मेडिका और तीसरा है कोर, चौथा है ग्लैंडुले सुप्रारेनलोस और अगला है कालमिया आयोडेटम और इसके आगे कैलियम फास्फोरस जिसे हम काली फास भी बोलते हैं और इसके आगे है मेसेन सेफालोन और इसके आगे रेन, फिर टार्टेरस डेप्रेटस और लास्ट दवा है वैलेरियाना। तो इतने दवाओं का जो मिश्रण है R85 मेडिसिन में सबका सब डाला हुआ है। अब इन दवाओं का हमारे शरीर पर क्या कार्य है, जो महत्वपूर्ण दवा है, ऐसे तो सबके सब महत्वपूर्ण दवा है, नहीं होता तो फिर इस दवा में मिक्सचर करने की जरूरत क्या है। तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं एक नजर में। एलियम सटाइवा जो है, जो हमारा रक्तचाप है यदि बढ़ा रहता है तो वह
कंट्रोल करता है। दूसरा मेडिसिन है साइट्रस मेडिका लिमोनस। इसका काम है कि यह मूत्र की मात्रा को बढ़ा करके, जो हमारे शरीर में यूरिन इकट्ठा होता है और उसके वजह से यदि हमारा जो बीपी है बढ़ जाता है, तो यह साइट्रस मेडिका लिमोनम मूत्र बढ़ा करके उसे बाहर करता है और रक्तचाप जो हमारा है सामान्य रखने में बहुत ही मदद करता है। अगला मेडिसिन कोर। इसका काम है कि ग्रंथि संबंधी जो उद्दीपन यानी ग्रोथ होने वाला होता है, तो उस पर यह बहुत ही अच्छा काम करता है और उसे यह बिल्कुल ही कंट्रोल में रखता है। अगला मेडिसिन ग्लैंडुले सुप्रा नेलस। इसका भी ठीक वही काम है जो कि कोर का काम है। इसका फंक्शन भी ग्रंथियों पर है और यह बढ़ने से उसको रोकता है और जो हमारा बीपी है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगला मेडिसिन कैली आयोड। कैली आयोड जो है यह पोटेशियम अवशोषण को शक्ति देता है और रक्त का जो चिपचिपापन है, गढ़ापन है, इसे घटाता है, कंट्रोल करता है, जिससे हमारा बीपी ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही ठीक रहता है। अगला मेडिसिन कालीफास। इसका काम है कि ब्लड संचरण संबंधी दोषों को दूर करता है और जो हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, इसको शांति प्रदान करता है ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी है, यह सही स्थिति में रहे। अगला मेडिसिन मेसेंसेफलन। इसका काम है कि जो ग्रंथि संबंधी वही उद्दीपन है उसको यह कंट्रोल करता है। और अगला मेडिसिन टार्टेरस डेपुरेट्स जो है, इसका भी काम वही है कि मूत्र की मात्रा बढ़ा करके जो हमारे ब्लड में या शरीर में जो इकट्ठा रहता है यूरिक एसिड, उसे बाहर करता है और यह हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि इसकी डोजे क्या है, इसे लेना कैसे है। तो इसे हम सुबह, दोपहर और शाम को 10-10 बूंद हल्का सुसुम पानी के साथ डाल करके खाना खाने से पहले यदि हम कुछ समय नियमित रूप से लेते हैं तो जो हमारा बीपी है वह बिल्कुल ही सामान्य हो जाता है। और बहुत सारा इसमें परहेज भी है, यदि हम अल्कोहल, शराब या नीम की दातून या प्याज लहसुन खाते हैं या धूम्रपान करते हैं तो इन सब चीजों को उस समय छोड़ना होगा। यदि सब कुछ छोड़ करके नियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं